नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से, मानविकी विद्या शाखा अर्थशास्त्र विभाग। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं आर्थिक सिद्धांत के विषय में और मांग विश्लेषण। हम लोग चर्चा करेंगे मांग विश्लेषण के बारे में कि मांग होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि मांग होता क्या है, मांग का अर्थ क्या है। मांग किसी निश्चित समय पर और निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता की प्रभावपूर्ण इच्छा की मात्रा को मांग कहते हैं। तो अब इसमें बात आती है प्रभावपूर्ण इच्छा की। प्रभावपूर्ण इच्छा क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभावपूर्ण इच्छा वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, यदि किसी वस्तु की को प्राप्त करने की हमारी इच्छा है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन की भी आवश्यकता होती है, और साधन की आवश्यकता के साथ साथ साधन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। तो ये जो है हमारी प्रभावपूर्ण इच्छा है, जो हमको निश्चित कीमत और निश्चित समय पर किसी वस्तु को प्राप्त करने की मात्रा को हम मांग कहेंगे। फिर आते हैं हम लोग अगले उस पर, मांग फलन। मांग फलन वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य फलनात्मक संबंधों को बताता है। तो ये जो है हमारे मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मांग फलन को प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे वस्तु की कीमत, जिसको हम PX से डिनोट करते हैं, आय जिसको हम Y से डिनोट करते हैं, और यश से हम फैशन को डिनोट करते हैं, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत जो SG से डिनोट करते हैं, और संबंधित वस्तु की कीमतें। तो हमारे मांग को ये जो है ये कारक प्रभावित करते हैं। हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि मांग के प्रकार। मांग जो है तीन प्रकार की मुख्यता होती हैं। पहली आय मांग, दूसरी होती है प्रत्युत्तर मांग, तीसरी होती है कीमत मांग। आय मांग क्या होती है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। आय मांग से अभिप्राय हमारा वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाती हैं, एवं आय एवं मांग में सीधा धनात्मक संबंध होता है। आय अर्थात अन्य कारकों के स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की मांग में वृद्धि होती है, एवं उपभोक्ता की आय में कमी होने पर परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की मांग में भी कमी होती है। तो हम देख रहे हैं कि आय मांग में, आय और मांग में सीधा धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है और मांग भी उसकी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उपभोक्ता की आय कमी हो रही है उसके मांग में भी कमी हो जा रही है। सामान्य और जो है उत्तम वस्तुओं के संदर्भ में आय एवं मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब है यहाँ पे कि जो है धनात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है हमारी, वैसे वैसे हम उत्तम या सामान्य वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि करते हैं। निकृष्ट वस्तुओं के संदर्भ में आय एवं मांग में विपरीत संबंध होता है। जैसे कि हम आय वृद्धि हो जाने पर हम जो है सामान्य वस्तुओं की जगह जो है हम अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का उपयोग करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि जो है एक समय हमारे यहाँ जो है बाजरे का उपयोग बहुत होता था। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ी, आज बाजरे का उपयोग कम करके हमारे यहाँ गेहूं की रोटियाँ बनने लगी, गेहूं का प्रयोग होने लगा। तो ये जो है बाजरा हमारे लिए निकृष्ट वस्तु हो गया, आय में वृद्धि हुई और गेहूं की जो है गेहूं की रोटियां हम लोग खाने लगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं कि जैसे
हम जैसे आय में हमारी कमी होती है तो हम सामान्य दशा में आलू या अन्य सब्जियों का प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है हम हरी सब्जियां या पनीर ऐसी जो है वस्तुएं खाने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं। तो आय में वृद्धि से ये जो है हमारा सीधा संबंध होता है। अगली चर्चा हम लोग करते हैं प्रत्युत्तर मांग को। प्रत्युत्तर मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को स्थिर रहने पर किसी वस्तु के विभिन्न मात्राओं से है, जिन्हें उपभोक्ता अन्य संबंधित वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदता है। अर्थात प्रत्युत्तर मांग किसी वस्तु की मांग तथा दूसरी किसी वस्तु अन्य संबंधित वस्तु की कीमत के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, जैसे चाय एवं कॉफी की बात हम करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं चाय एवं कॉफी, इनको स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं। और दूसरी है पूरक वस्तुएं, जैसे कार पेट्रोल, इनका जो है मांग से जो है ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे जैसे अन्य बातें समान रहने पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, या जो है कह लें कि ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, हम जो है कार जैसी चीज़ों को खरीद कम करते हैं, उसकी मांग कम करते हैं, अन्य बातें समान रहने पर ऐसा होता है। हम आते हैं अब कीमत मांग पे। तीसरा मांग का प्रकार है कीमत मांग। तो कीमत मांग हमको ये बताती है कि कीमत से जो है मांग का क्या संबंध है। इसी को मार्शल महोदय ने कीमत मांग का नियम भी कहा है। मार्शल महोदय ने कीमत मांग का नियम जो है दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वस्तु की मांगी गई मात्रा एवं कीमत में विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी एवं कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो मार्शल महोदय ने हमको बताया कि जो है कीमत और जो है मांग में विपरीत ऋणात्मक संबंध होता है, कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती है किसी वस्तु की हम उसकी मांग में निरंतर कमी करते हैं। यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में वृद्धि होती है अन्य बातें समान रहने पर। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लें कि हम लोग सब्जियों में जैसे टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उनकी मांगी गई मात्रा में हम कमी कर देते हैं। जहाँ हम लोग 1 किलो लेते थे वहाँ 250 ग्राम या जो है 500 ग्राम हम उसका उपयोग करने लगते हैं। हम उसकी मांगी गई मात्रा में कमी करते हैं अन्य बातें समान रहने पर। यदि वहीं पर उसकी कीमतें कम हो जाती है, मान लीजिए इस समय 20 रुपये पर केजी है, तो हम उसकी मात्रा 1 केजी 2 केजी खरीद लेते हैं। यदि वही 200 रुपये केजी या 100 रुपये केजी हो जाता है तो हम उसकी मात्रा 250 ग्राम या 500 ग्राम में लेते हैं। ये अन्य बातें समान रहने पर सामान्य दशाओं में हम ऐसा करते हैं। यहाँ हम फिगर पे देख भी सकते हैं इसका चित्र पे, कि जो है वाई एक्सिस पे हम कीमत दर्शाते हैं, एक्स अक्ष पे हम मांग की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं, वाई अक्ष पे हम कीमत को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपये है तो उसकी जो है उसकी हम 2 इकाई मात्रा का उपभोग कर रहे हैं। यदि उस वस्तु की कीमत घटकर 40 रुपये हो जा रही है तो उसको जो है हम उसकी 4 इकाई का उपभोग कर रहे हैं, और घटकर अगर 30 रुपये हो जा रही है तो उसका उपभोग हम 6 इकाई कर रहे हैं, और घटकर 20 रुपये यदि कीमत हो जा रही है तो उसकी हम 8 इकाई का उपभोग कर रहे हैं। यदि और घट के 10 रुपये हो जा रही है तो उसकी हम 10 इकाई का उपयोग करते हैं। तो ये चित्र हमको यह बताता है कि कीमत में यदि निरंतर
कमी हो रही है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में हम वृद्धि करते हैं। और इसके विपरीत संबंध में भी हम देख सकते हैं कि यदि हम किसी वस्तु की 10 इकाई का उपभोग कर रहे थे और वो 10 रुपये में 10 इकाई मिल रही थी हमको, उसकी कीमत में वृद्धि होकर 20 रुपये हो जाती है, तो हम जो है उसकी जगह 10 इकाई का उपभोग की जगह हम उस वस्तु की 8 इकाई का उपभोग करते हैं, और यदि कीमत और बढ़कर 30 रुपये हो जाती है तो हम जो है 8 इकाई की जगह 6 इकाई का उपभोग करते हैं, और कीमत लगातार अगर बढ़ती ही जा रही है, 40 रुपये प्रति इकाई हो गई, तो 40 रुपये कीमत पे हो जाने पर हम जो है यहाँ पे 4 इकाई का उपभोग कर रहे हैं, और 50 रुपये हो गई कीमत बढ़कर, तो हम यहाँ पर 2 ही इकाई का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में है, और कीमत में कमी हो जाने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में हम वृद्धि हैं। यहाँ पे मार्शल महोदय ने कीमत का विपरीत संबंध वस्तु की मांगी गई मात्रा से बताया, ना कि मांगी गई मात्रा का संबंध कीमत से बताया। इन्होंने मार्शल महोदय ने, हम आगे चर्चा करेंगे इनके मान्यताओं की, इनकी क्या क्या मान्यताएं हैं। तो यहाँ पे पहली मान्यता है कि उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, उपभोक्ता की रुचि एवं फैशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, उपभोक्ता की आय स्थिर हो, किसी प्रकार की स्थानापन्न वस्तु की खोज नहीं हुई हो, और क्रय की जाने वाली वस्तु प्रतिष्ठा सूचक वस्तु नहीं है, वस्तु के कीमत में किसी प्रकार की परिवर्तन की संभावना नहीं है। ये हमारी मान्यताएं हैं। यदि इन मान्यताओं के इतर हम बात करेंगे कि वस्तु की कीमत में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है, यदि ऐसा होता है तो ये वहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होगा। हम आगे चर्चा करेंगे मांग के नियम लागू होने के क्या क्या कारण हैं, इन कारणों के विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। पहला है, मांग वक्र बाएं से दाहिनी ओर नीचे गिरता हुआ होता है, जैसा कि हम पिछले चित्र में हमने इस पे देखा है कि जो हमारा मांग वक्र है, डी से डिनोट है, ये जो है लेफ्ट टू राइट वर्ड नीचे को गिरता हुआ है, क्योंकि कीमत एवं वस्तु की मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध अर्थात विपरीत संबंध को प्रदर्शित कर रहा है ये। दूसरी हमारा जो है कारण है, सीमांत उपयोगिता भास नियम के कारण, किसी भी वस्तु की उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे अधिक मात्रा खरीदी या प्रयोग की जाती है, वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता हमको घटती हुई प्राप्त होती है। दूसरा हमारा कारण है सीमांत उपयोगिता भास नियम, हम आगे इस पे पढ़ेंगे अगली इकाई में सीमांत उपयोगिता भास नियम के बारे में। सीमांत उपयोगिता भास नियम में होता क्या है कि यदि कोई हमारे पास कोई वस्तु की इकाइयां अधिक बढ़ती जाती हैं तो उससे हमको प्राप्त होने वाली जो संतुष्टि है वो घटती हुई प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको प्यास लगी हुई है और हमारे पास एक बॉटल पानी है, हमको बहुत प्यास लगी है, हम यात्रा पे हैं, हमको एक बॉटल पानी की आवश्यकता है और हमारे पास है भी, तो जैसे हम एक बॉटल पानी पी लेते हैं तो हमारी संतुष्टि प्राप्त हो जाती, वहीं एक बॉटल पानी और हमको कोई ला के दे देगा तो हम जो है उसको पीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं उससे हमको प्राप्त होने वाली उपयोगिता और संतुष्टि घटती हुई होती है। आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि करता है, क्योंकि किसी वस्तु की कीमत में कमी उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि के समान है। तो तीसरा कारण है कि
आय प्रभाव के कारण ही जो है उपभोक्ता की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि करता है। तीसरा कारण, जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है वह जो है उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि करता है। मान लीजिए कि हमको कोई वस्तु है, मान लीजिए हमको जो है टमाटर है 20 रुपये केजी मिल रहा था, वही अगर हमको 10 रुपये केजी मिल जाए तो हमको जो 10 रुपये का जो है जो बचत हुई है, 20 रुपये की जगह जो 10 रुपये की बचत हुई है, ये 10 रुपये हमारी वास्तविक आय के रूप में प्रदर्शित होती है और हम वस्तु की अधिक मात्रा क्रय कर सकते हैं। ये तीसरा कारण है कि वस्तु की कीमत में कमी उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि के समान है। चौथा कारण है उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन, वस्तुओं के विविध प्रयोग आदि मांग के नियम लागू होने के कारण है। ये जो है हमारा चौथा कारण है कि होता क्या है कि जैसे वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, परिवर्तन अर्थात मांग में वस्तु की कीमत में कमी या वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो इसमें उपभोक्ता की संख्या में भी परिवर्तन होने लगता है। उपभोक्ता की संख्या में कुछ उपभोक्ता नए हो जाते हैं जो उस वस्तु का उपयोग करने लगते हैं, कुछ उपभोक्ता ऐसे होते हैं जो उस वस्तु का उपयोग करना बंद कर देते हैं। तो ये भी एक कारण है। और वस्तु का विविध प्रयोग, जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा था कि जो है टमाटर का उदाहरण हमने पेश किया था कि जैसे जैसे जो है वस्तु टमाटर की कीमत में कमी होती है हम उसकी मांग बढ़ा लेते हैं, हम उसके विविध प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे हम आलू को देख लेते हैं, यदि आलू की कीमत में कमी होती है तो हम उसको सब्जी में, चिप्स पापड़ बनाते हैं, अन्य ढेर सारे कामों में उसका उपयोग करते हैं। यदि उसकी कीमत बढ़ती है, उसकी कीमत में वृद्धि होती है, तो उसका विविध प्रयोग हम कम कर देते हैं अन्य बातें समान हो जाने पर। तो ये मांग के नियम के लागू होने के कारण है। इसी कारण से जो है मांग वक्र बाएं से दाहिनी ओर नीचे को गिरता हुआ होता है। हम आगे चर्चा करेंगे इसके अपवाद, इसके एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, कुछ वस्तुएं प्रेस्टीज गुड्स होती हैं, प्रतिष्ठा सूचक होती हैं कि उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे महंगी कारें, ब्रांडेड कारें, जैसे हीरे की अंगूठी लोग पहनना पसंद करते हैं, वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हैं क्योंकि कीमत उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग उसकी मांग करते हैं इस कारण कि जो है वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है, उसको पे सोसाइटी समाज पे उसको प्रतिष्ठा के रूप में देखा जाता है। दूसरा है अनिवार्य वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं भी मांग के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। अनिवार्य वस्तुओं में जैसे कि दवाएं, दवाओं की कीमत उस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। दवाओं की कीमत यदि घट जाती है तो ऐसा नहीं है कि लोग उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, या हो सकता है दवाओं की कीमत बढ़ जाए तो ऐसा भी नहीं है कि लोग उसका उपयोग नहीं करें, तो इस पे मांग का नियम लागू नहीं होता है। मादक वस्तुएं, अल्कोहल, जैसे कि आप जानते हैं मादक वस्तुएं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो मादक वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है तो उसको उसकी एक इकाई दे देने के बाद वो और भी इकाई प्राप्त करना चाहेगा और किसी भी कीमत पर वो प्राप्त करना चाहेगा, तो ये चीज़ें भी हैं। तीसरी बात है मूल्य परिवर्तन की संभावना, यदि ये जो है हो कि किसी वस्तु की मूल्य में परिवर्तन होने वाला है या अर्थात मूल्य में कमी होने वाली है या वृद्धि होने वाली है उसकी कीमत पे, अगर ऐसी कोई संभावना है तो कीमत
में वृद्धि होने पर भी उसकी अधिक से अधिक मात्रा खरीदी जाएगी और कमी होने पर भी उसकी कम से कम मात्रा खरीदी जाएगी। तो इस पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। विशेष ब्रांड में रुचि, इस पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। विशेष ब्रांड में रुचि, जैसे कि हम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियाँ, ब्रांडेड मोबाइल, अन्य प्रकार के विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि ब्रांडेड में हमारी रुचि है कीमत उसकी कम हो या अधिक हो, यदि हमारी रुचि उस ब्रांड में है तो उसको हम खरीदना चाहेंगे। फिर आती है मादक पदार्थ में, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो नशा करता है और जो है मादक पदार्थ लेता है, जैसे अफीम है, कोकीन है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर वो व्यक्ति नशा करता है, उसका आदि है, तो नियम लागू नहीं होगा, कीमत कम हो जाने या बढ़ जाने पर उसका जो है उपयोग वो करता रहेगा। अगला है उपभोक्ता की अज्ञानता। यदि उपभोक्ता अज्ञान है, उसको बाजार का ज्ञान नहीं है, वस्तु की कीमत का ज्ञान नहीं है, तब भी हो सकता है कि वह कम कीमत पर कम ही वस्तु खरीदे और अधिक कीमत पर अधिक वस्तु खरीद ले, क्योंकि उसको बाजार का ज्ञान नहीं है, वस्तु की कीमत का ज्ञान नहीं है। फिर हम चर्चा करेंगे गिफिन वस्तु की। तो गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, जिसकी कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में भी कमी आ जाती है। फिर आगे हम चर्चा करेंगे मांग में विस्तार एवं संकुचन की। इसको जो है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी हम लोग कहते हैं। तो इसमें वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि वस्तु के मांग में विस्तार को प्रदर्शित करती है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो वृद्धि होती है उसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी वस्तु की मांग में संकुचन को प्रदर्शित करती है। जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो वस्तु की हम अधिक मात्रा का उपयोग करते हैं, इसको हम मांग का विस्तार कहते हैं। और यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है, इसको हम जो है मांग में संकुचन कहते हैं। इसको हम चित्र की सहायता से आगे समझते हैं। वाई एच पे हम कीमत को प्रदर्शित करते हैं, वाई एच यक्स एच पे हम जो है वस्तु की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, हम उसको P3 कीमत पर Q3 इकाई का उपभोग करते थे, जैसे कीमत में कमी P1 पर आ गई, वस्तु की कीमत P1 हो गई, तो यहाँ पे जो है वस्तु की कीमत घटकर यदि P1 हो जा रही है तो हम Q3 की जगह Q1 इकाई का उपभोग करने लग रहे हैं। तो ये जो है हमारा ये सर्कल जो लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर जा रहा है, मतलब हमारा जो है मांग का विस्तार हो रहा है। यहाँ पे कीमत में कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में हम वृद्धि कर रहे हैं, ये हमारे मांग के विस्तार को बताता है। इसमें विपरीत अगर देखा जाए तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो कमी हो रही है वो जो है मांग के संकुचन को बताता है। आगे हम चर्चा करेंगे मांग में वृद्धि अथवा मांग का प्रकर्षण। इसमें मांग में वृद्धि
अथवा मांग का प्रकर्षण किसी वस्तु की कीमत के स्थिर होने पर वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों जैसे आय, फैशन, रुचि संबंधित वस्तु की कीमत आदि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है, उसे हम मांग में वृद्धि या मांग का प्रकर्षण कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत यदि स्थिर है और वस्तु को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि आय, फैशन, रुचि संबंधित वस्तु की कीमतों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसमें मांग में वृद्धि हो जाएगी और मांग वक्र हमारा जो है दाहिनी ओर शिफ्ट करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कीमत स्थिर है, यहाँ पे हम वाई एक्स पर कीमत को ले रहे हैं, एक्स एक्स पर मांगी गई मात्रा को ले रहे हैं। कीमत स्थिर होने पर अन्य कारक जैसे कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, आय में वृद्धि हो जाती है तो वह जो है Q1 इकाई की स्थान पर Q2 इकाई का उपभोग प्रारंभ कर देता है कि इससे हमारा मांग वक्र DD मांग वक्र दाहिनी ओर शिफ्ट कर जाता है और D1 पे आ जाता है। तो हमारा मांग में वृद्धि है, मांग में कमी या मांग का विकर्षण। वस्तु की कीमत के स्थिर होने तथा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों जैसे आय, रुचि, फैशन संबंधित वस्तु की कीमत आदि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांगी गई मात्रा में कमी होती है तो उसे मांग का विकर्षण अथवा मांग में कमी कहते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत यदि स्थिर है उसको प्रभावित करने वाले अन्य कारक आय, फैशन, रुचि संबंधित वस्तु की कीमत में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम मांग में विकर्षण या मांग में कमी कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कीमत स्थिर होने पर संबंधित वस्तु की कीमत या फैशन या रुचि में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे जो है हमारा जो मांग वक्र है बाईं ओर शिफ्ट हो जा रहा है, D1 से D2 हो जा रहा है तो ये हमारी मांग में कमी है। धन्यवाद।